नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अतिरिक्त चावल वितरण किया जा रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र में, उनकी लिस्ट आप कैसे जानेंगे, आपको कितना चावल आपके राशन कार्ड में अतिरिक्त मिलना चाहिए और आपको कितना मिला है, इसमें डिफरेंस हुआ होगा। लेकिन किसी न किसी को सही मिला है, लेकिन कई व्यक्तियों को कमेंट कर रहे थे कि उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना राशन कार्ड में चावल नहीं मिला है। तो इसकी लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे, आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। इसमें नई नई जानकारियाँ मैं देते रहता हूँ। यदि उसका भी नोटिफिकेशन लेना चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र का ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ आप देखेंगे दुकान क्रमांक और राशन कार्ड क्रमांक दिया हुआ, ये बिल्कुल सही है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कैसे चेक करेंगे बताएंगे। यहाँ आप स्कीम का भी नाम देख सकते हैं, CGFSA और NFSA दिया हुआ है। यहाँ सदस्यों की संख्या दी हुई है पूरी कि उस राशन कार्ड में कितने सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ बताया गया है पूर्व में जारी कुल अतिरिक्त आवंटन अप्रैल मई जून में ये आवंटन किया गया था, और इसे संशोधित करके संशोधित कुल अतिरिक्त आवंटन अप्रैल मई जून में यहाँ किया गया है आप देखेंगे तो। उसके बाद कुल आवंटन ए प्लस बी जो दोनों का अंतर है उसको यहाँ लिखा गया है। किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जिसका राशन कार्ड में नाम है, उनको एक माह का 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाना चाहिए था केंद्र सरकार की ओर से। हम 3 माह का जोड़े तो एक व्यक्ति का 15 केजी चावल होता है। आप देखेंगे एक व्यक्ति का कितना होता है तो 15 केजी होता है। और यहाँ आप देखेंगे जो सबसे पहला है हम उसी को ही लेते हैं और यहाँ पूरी जानकारी जानेंगे। यहाँ पहला में दिया हुआ है इस राशन कार्ड में 6 सदस्यों का नाम दिया हुआ है। इस तरह से हम 15 केजी जोड़ते तो कितना आता, यहाँ 90 आता, 15 छक्का 90। लेकिन इसमें चावल कितना दिया गया है, जो कई जने कमेंट कर रहे थे कि उनको कम दिया जा रहा है, तो वो यहाँ जो 54 लिखा है इसको दे दिए जा रहे हैं, जबकि जो संशोधित कुल अतिरिक्त आवंटन है उनको नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने खुद अपना भी चेक किया तो इसी तरह से हुआ है। जो पूर्व में जारी अतिरिक्त आवंटन है इसी के हिसाब से ही चावल दिए जा रहे हैं, जबकि जो संशोधित कुल अतिरिक्त आवंटन है इसको नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ जो अंतर है तो जितना अंतर है उतना कम दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो जो 54 केजी दिया हुआ है वो हम 6 से भागित करेंगे तो कितना केजी हो रहा है, आप देखेंगे तो 9 हो रहा है। अर्थात एक व्यक्ति को एक माह का 3 केजी के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जबकि मिलना चाहिए था 5 केजी जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। आपको अपने गांव का इसी तरह से चेक करने के लिए एक और बात बता दें कि इसमें जो 100 हो रहे हैं राशन कार्ड, इसमें सभी का 100 नहीं हो रहे हैं। इस गांव में बहुत सारे राशन कार्ड हैं लेकिन यहां केवल 33 लोगों का 100 हो रहे हैं। इस तरह से आप अपने गाँव का या अपने राशन कार्ड का कैसे चेक कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आने होंगे। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ टाइप करने हैं cgkhadya.com। cgkhadya लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ही आ गया है cgkhadya। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो सबसे ऊपर आ रहा है जहाँ कर्सर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, और यह इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन होता है। यहाँ आने के बाद आप एक बार पूरा वीडियो का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो अतिरिक्त चावल आवंटन आपके राशन कार्ड में कितना है ये आप जान सकेंगे और आपको कितना मिला है। जानने के लिए आपको यहाँ इस पेज पर आने होंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ जो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा 2012 ऑनलाइन, इस में क्लिक करेंगे आप तो फिर से एक नया टैब ओपन हो जाता है।
यहाँ आपको जानकारी मिलेगा, एक बार पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सार्वजनिक रिपोर्ट लिखा हुआ है, सार्वजनिक रिपोर्ट में आपको आना है। यहाँ राशन कार्ड की जानकारी देखे के नीचे जस्ट लिखा हुआ है CGFSA NFSA राशन कार्डों के अतिरिक्त चावल आवंटन की सूची, जो राशन कार्ड में अतिरिक्त चावल दी जानी है उनकी सूची यहाँ दी गई है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार फिर से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ ऊपर के हेडिंग में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है CGFSA NFSA PHH कार्डों में दिया जाने वाला अतिरिक्त आवंटन अप्रैल मई जून माह 2020 का। तो अपने ज़िले का आपको चेक करने के लिए यहाँ अपने ज़िले में सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ एक ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो बिलासपुर ज़िला। आप अपने ज़िलों को सिलेक्ट करें, आप जिस ज़िला से हैं और जिसको आप चेक करना चाहते हैं उसको। यहाँ मैं बिलासपुर ज़िला में मान लेते हैं, आप ग्रामीण हैं तो आप गांव सेलेक्ट करें, आप किसी गांव से हैं तो, आप शहर में रहते हैं तो शहर को सिलेक्ट करें। यहाँ मैंने ग्रामीण को सिलेक्ट किया हुआ हूँ, आपको शहर को भी चेक करके बताएंगे पूरी जानकारी इसमें। यहाँ आपको एक नगरीय निकाय या विकास खंड, यहाँ आपको विकास खंड सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ एक विकास खंड सिलेक्ट कर लेता हूँ मस्तूरी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ उचित मूल्य की दुकानों का नाम का लिस्ट होगा। आपका यदि राशन कार्ड बना है तो आपके राशन कार्ड में जो नवीनीकृत राशन कार्ड है उसमें आप छठवां नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ है संलग्न उचित मूल्य दुकान। यहाँ दुकान को थोड़े से ढूंढने में परेशानी जाती है, इसलिए आपका जो दुकान क्रमांक है उनको आप मिलाएं अपने राशन कार्ड में और यहाँ से सिलेक्ट करें, तब आपको सही सही इसमें मिलेगा। क्योंकि इसमें जो लंबा नाम रहता है जिस सार्वजनिक दुकान का, उनका नाम यहाँ पूरा शो नहीं हो पाता है, गांव का नाम। यहाँ आप देखेंगे इसमें गांव का नाम शो नहीं हो रहा है, इसी तरह इसमें भी गाँव का नाम शो नहीं हो रहा है। और जो छोटा रहता है वो यहाँ शो हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो सही शो नहीं होता, इसलिए ढूंढने में तो ही परेशानी जाती है। तो आप अपने जो दुकान क्रमांक है उनको यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसमें दुकान का जो क्रमांक रहता है वो सीरियल वाइज रहता है। मैं यहाँ एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ अकोला को, यहाँ मैंने ग्राम पंचायत अकोला को सिलेक्ट किया। अकोला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे जानकारी देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जितना भी अतिरिक्त चावल आवंटन के लिए यहाँ कार्ड दिए गए हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से ये शो हो जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ केवल 26 कार्ड का ही शो हो रहा है, और वो भी जो शो हो रहे हैं वो अत्योदय कार्ड ही शो हो रहे हैं। आप देखेंगे तो अत्योदय कार्ड के अलावा प्राथमिक कार्ड में भी अतिरिक्त चावल का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो शो हो रहे हैं वो केवल अत्योदय कार्ड का ही शो हो रहे हैं और सभी का शो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे इसमें अपडेट किए जा रहे हैं। आप देखेंगे हम सबसे पहले में जो दिया हुआ है इसी को ही जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो दुकान क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे तो राशन कार्ड क्रमांक दिया हुआ है। आप अपना राशन कार्ड आपको जानने के लिए आप राशन कार्ड को मिला सकते हैं। यहाँ कंट्रोल एफ दबाएंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड डालने का ये आ जाता है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे राशन कार्ड को तो वो इस तरह से शो हो जाता है, और उस राशन कार्ड का केवल एक ही नंबर का राशन कार्ड रहता है तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं जाती। जैसे मैंने यहाँ ये राशन कार्ड का नंबर लिखा तो केवल ये हाईलाइट हो गया, बाकी जो राशन कार्ड है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। इस तरह से आप अपने राशन कार्ड का यहाँ चेक कर सकते हैं। इसमें सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं बता रहे हैं, जिनका यहाँ अपडेट हो गया है उन्हीं का ही केवल बता रहा है। और हम इसी में ही कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, तो इसमें सदस्यों की संख्या 5 है। तो 5 जने का हम एक माह में 5 तो 3 माह का 15 गुणा करेंगे तो 15 × 75 होता है। उन्हें कितना मिलना चाहिए था संशोधन, अर्थात कुल जो मिलना चाहिए था वो 75 kg एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। उन्हें जो 35 किलो मिलता है वो अलग ही है,
उन्हें अतिरिक्त 75 केजी मिलना चाहिए था इसके अनुसार, लेकिन उन्हें मिला कितना होगा? मेरे अनुमान के मुताबिक जो कमेंट आ रहे हैं उसमें कह रहा है कि कम मिल रहे हैं चावल, तो उन्हें कितना मिला होगा? 45 केजी मिला होगा, जो कि पूर्व में जारी कुल अतिरिक्त आवंटन है, यही मिला होगा। इसीलिए कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और उसे मिलना कितना चाहिए था? 75 केजी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला होगा। और मिला होगा तो अच्छी ही बात है, अगर नहीं मिला है तो ये घोटाला ही हो सकता है। उन्हें 30 केजी कम मिला है और यहाँ कुल आवंटन ए प्लस बी में 30 केजी लिखा है। अभी कैसे लिखा है ये तो पता नहीं किस तरह से, लेकिन उन्हें 45 मिला होगा और 75 मिलना चाहिए था, दोनों का अंतर 30 है, इसको यहाँ लिखा गया है। इस तरह से आप अपने गांव का चयन करके पूरी जानकारी, अपने राशन कार्ड में कितना अतिरिक्त चावल मिलना चाहिए था और कितना मिला है, और आपके राशन कार्ड यहाँ शो हो रहे हैं या नहीं, ये आप चेक कर सकेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसको चेक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर सकेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।